ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी। दोस्तों, आज की ये स्टोरी काफी मजेदार और रहस्यमय होने वाली है। आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरी भी फेवरेट है, इसमें मेरी भी काफी दिलचस्पी है। नमस्कार, अजब गजब में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मेघा। आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी कहीं किताबों में या किसी आर्टिकल में या YouTube पर एक संगठन का नाम जरूर सुना होगा और उस संगठन का नाम है इल्यूमिनाटी। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना होगा। तो आज मैं आपको इसी संगठन से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें बताऊंगी। क्या सच में इल्यूमिनाटी एक रहस्यमयी संगठन है? कई लोगों का तो ये भी कहना है कि दुनिया में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा या आगे भी जो भी कुछ होगा, उसके पीछे इसी संगठन का हाथ है। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, इस संगठन की बातों पर यकीन करते हैं, वो तो यही मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इल्यूमिनाटी ही उसका जिम्मेदार था। इस संगठन की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। उस दौरान ये एक खुफिया संगठन हुआ करता था, जैसे आज के जमाने में रॉ है या FBI है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि इल्यूमिनाटी आज भी गुप्त तरीके से काम कर रहा है, जिसकी किसी को कोई खबर नहीं है, कोई भनक नहीं है। इस संगठन से जो लोग जुड़े होते हैं उनके बारे में कोई जान ही नहीं सकता। वो हम और आपके बीच में बैठा कोई भी शख्स हो सकता है। और वो लोग ये दावा भी करते हैं कि जो दुनिया में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं वो यही संगठन कराता है। यही एक बड़ी वजह भी है कि जिसके चलते इल्यूमिनाटी का नाम रहस्यमय संगठनों में गिना जाता है। इस संगठन की शुरुआत जर्मनी के बावरिया शहर से हुई थी। 1766 में इलोंगस्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम विशाप्ट ने इसकी नींव रखी थी। शुरुआत में देखें तो इल्यूमिनाटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रखा गया था, क्योंकि उस दौरान चर्च और क्रिश्चियन धर्म की कट्टरपंथी की जड़ें समाज में काफी गहरे तौर पर फैली हुई थी। यानी उस दौरान जो भी फैसले और जो भी काम किए जाते थे उसमें चर्च और क्रिश्चियन धर्म का बहुत बड़ा हाथ होता था। इसी कट्टरपंथ से आजाद होने के लिए प्रोफेसर विशाप्ट ने इस संगठन की शुरुआत की थी। शुरुआत में प्रोफेसर की सोच काफी अच्छी थी। उनका मकसद ये था कि वो इस संगठन के जरिए ऐसी दुनिया को बनाएंगे जहां पर कट्टरपंथ और मजहब की दीवारें ना हो और सभी को एक ही रूप से देखा जाए। जब ये संगठन शुरू हुआ तो इसके साथ शुरुआत में कुछ कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे जुड़े, लेकिन धीरे धीरे इल्यूमिनाटी का दायरा बढ़ता गया और हजारों लोग फिर इस संगठन में आने लगे। वो घर में काम करने वाली हाउसवाइफ भी थी, ऑफिस जाने वाले लोग भी थे। बाद में विश्वास कई खुफिया बैठकें आयोजित करवाते जिनमें समाज और सरकार को लेकर कई तरह की बातें हुआ करती थी। शुरुआत में तो सरकार को इस तरह के किसी संगठन के बारे में पता ही नहीं चला, लेकिन कुछ समय के बाद जब इस संगठन की गतिविधियां बढ़ने लगी और लोग इसके बारे में कानाफूसी करने लगे, तब सरकार को इस संगठन की भनक लगी और उन्हें इसके बारे में पता चला। जैसे ही सरकार को पता लगा कि इस तरह का कोई संगठन काम कर रहा है, तो उन्होंने इल्यूमिनाटी के ऊपर बैन लगा दिया। इतना ही नहीं, प्रोफेसर विशाप्ट को जिन्होंने इस संगठन की नींव रखी थी उन्हें तो जेल भेज दिया गया। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं, जो इस बात पे विश्वास करते हैं कि इल्यूमिनाटी आज भी कहीं ना कहीं सक्रिय है और जो देश और दुनिया में कोई भी बड़ी घटना होती है उसके पीछे इसी संगठन का हाथ है। अब यह संगठन ये सब काम कैसे करता है, इस बात का किसी को पता नहीं है, ये एक रहस्य है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की जो हत्या हुई थी उसके पीछे भी इसी संगठन का हाथ था। कैनेडी की मौत को लेकर एक थ्योरी ये भी है कि जब उनकी हत्या की गई थी तो उस दौरान उनके पास कुछ महिलाएं थी जिनके हाथों में कैमरे की तरह दिखने वाली एक बंदूक थी। यह खास तरीके की दिखने वाली महिलाएं होती हैं और इन्हें द बबुश्का लेडी कहा जाता है।
और ऐसी भी मान्यता है कि इन महिलाओं का जो संबंध है वो इल्यूमिनाटी से था। इल्यूमिनाटी कैसे काम करता था, क्या उस संगठन के उद्देश्य थे, इससे आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है। और क्या सच में आज भी इल्यूमिनाटी दुनिया के किसी कोने से दुनिया को संचालित कर रहा है, ये बात आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, अगर आप इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV।